हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन बक्स इंडिया। ब्रेन बक्स इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं जनरल मैथ्स के क्वेश्चन। आज है हमारा लेक्चर नंबर 21। उसके अंदर हमने शुरू किया है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस। उसका है हमारे पास लेक्चर नंबर 3। सो लेक्चर 1 एंड 2 हमने कम्प्लीट कर लिया है। उसके अंदर हमने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम से रिलेटेड फॉर्मूले और क्वेश्चन किए हैं। आज हम एवरेज बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। एवरेज का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। अब डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम के अंदर एवरेज कैसे आता है, हम एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज हम इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। एवरेज स्पीड, तो एवरेज का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं होता है। एवरेज का फॉर्मूला हमेशा था कि जो टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। इसी तरह सिमिलरली हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड का फॉर्मूला यहाँ से होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम टोटल लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जितना भी हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है अपॉन उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना भी टाइम लगा है उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब कई बार हमें डिस्टेंस दिया होगा एंड उसके साथ स्पीड दिया होगा, डिस्टेंस स्पीड दिया होगा। 1 1 बोलते हैं, 2 2 बोलते हैं, 3 3 बोलते हैं। तो यहां से हमें डिस्टेंस 1 प्लस 2 प्लस 3 को ऐड करना है। डिस्टेंस 1 प्लस डिस्टेंस 2 प्लस डिस्टेंस 3 अपॉन, यहाँ पे हमें लिखना है टाइम 1। तो टाइम 1 कैसे आएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से d1 अपॉन s1 प्लस d2 अपॉन s2 प्लस d3 अपॉन s3। इस तरह से हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन हैं। A man travels a distance of 24 km at 6 km per hour. Another distance of 24 km at 8 km per hour. यानी कि 24 km cover किया उसने 6 km per hour पे. Another 24 km उसने cover किया, ये किया है उसने 8 km per hour पे. एंड थर्ड डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर एट 12 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर कवर किया है 12 किलोमीटर पर आवर पे। हिज एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी इन किलोमीटर पर आवर इज। तो हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल 24 प्लस 24 प्लस 24, तो इसको हम लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई। टाइम लिखना है टोटल, तो टाइम क्या आ जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ का टाइम कितना आ जाएगा, इस 24 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगा, 24 डिवाइडेड बाई 6। इस वाले सेकंड वाले 24 किलोमीटर को कवर करने के लिए टाइम लगा 24 डिवाइडेड बाई 8। थर्ड 24 किलोमीटर को कवर करने में टाइम लगा 24 डिवाइडेड बाई 12। इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 प्लस 2। तो यह हमारे पास कितना आ गया, 24 मल्टीप्लाई 3, 4 3 7 और तो 9, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, ये 3 से कैंसिल आउट हो गया 8 टाइम्स, और ये किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर के अंदर, क्योंकि हमारा स्पीड ऑलरेडी किस में था, किलोमीटर पर आवर में। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी 8। इस तरह से हमें इसके कैलकुलेट करना है। एक सिंपल सा फॉर्मूला एवरेज स्पीड का हमें यूज करना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉय राइड्स हिज बाइसिकल 10 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बॉय ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है एक स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर से। देन अगेन 12 किलोमीटर का उसने डिस्टेंस कवर किया है 12 किलोमीटर डिस्टेंस एवरेज स्पीड ऑफ 10। यहाँ पे उसने स्पीड यूज किया है 10 किलोमीटर पर आवर से। तो हमें पूछा है इज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर ट्रिप इज अप्रोक्सीमेटली पूछा है, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला हम यूज करेंगे एवरेज स्पीड के लिए। टोटल डिस्टेंस 10 प्लस 12 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टाइम हमारा इस
10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस 12 किलोमीटर के लिए हमारा टाइम आ जाएगा 12 अपॉन स्पीड 10 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 12 हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 5 अपॉन 6 प्लस 6 अपॉन 5। इसको हम लिख सकते हैं 22 अपॉन 25 प्लस 36। क्यों? क्योंकि एलसीएम यहाँ पे कितना आ गया 30। ये हमें जनरल चीजें हैं, ये हमें आता है पहले से, 22 अपॉन 61 और ये 30 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, हमें पूछा है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अगर 22 अपॉन 60 मल्टीप्लाई 30 होता तो आंसर कितना आ जाता? 30 से ये कैंसिल आउट हो गया 2 और 2 से ये कैंसिल आउट हो गया 11। लेकिन यहाँ पे हमें अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछा है तो 11 तो हमारा आंसर नहीं होने वाला। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 2 से थोड़ा सा कितना आएगा? ज्यादा आएगा। 2 से अगर थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो ये वैल्यू 11 से क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी। कैसे किया हमने? कैंसिल आउट किया 61 को 30 से तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 से कट करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन 2 से थोड़ा सा बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे 22 को तो 11 से थोड़ा सा कम आएगा। थोड़ा सा कम कितना है? 10.8 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन वेंट फ्रॉम ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ एक्स। एक पर्सन है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाता है, एवरेज स्पीड उसका स्पीड कितना है? एक्स। एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, पहले जाता है फिर आता है बी से ए की तरफ, और इस बार स्पीड कितना है? वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द टोटल जर्नी। मान लो कि ए से बीच का जो बी का जो डिस्टेंस है वो डी है, बी से ए का भी डिस्टेंस कितना है? सेम है डी। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डी प्लस डी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक्स स्पीड से कितना टाइम लगेगा? डी अपॉन एक्स, प्लस डी डिस्टेंस को वाई स्पीड से कवर करने में कितना टाइम लगेगा? डी अपॉन वाई। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2d अपॉन, ये एक्स वाई क्या आ गया? एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे d कॉमन आके बन गया x प्लस वाई। इसको हम लिख सकते हैं 2xy और d से d कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में है x प्लस वाई, यानी कि हमारा आंसर आ गया ऑप्शन d 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस ये एक तरह का फॉर्मूला बन गया है। इससे हम क्या सीख सकते हैं? जो हमारा डिस्टेंस है अगर वो सेम है, डिस्टेंस अगर सेम है, सेम डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे वो 3 किलोमीटर का हो, चाहे 5 किलोमीटर का हो, चाहे 500 किलोमीटर का हो। ठीक है, ये हमारे पास हो गया कि ये जो डिस्टेंस है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिस्टेंस अगर सेम हो गया तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होगा एवरेज स्पीड निकालने के लिए, क्योंकि एवरेज के फॉर्मूले में डिस्टेंस का कोई रोल नहीं आ रहा है, सिर्फ स्पीड आ रही है 2xy अपॉन x प्लस y। तो 3 किलोमीटर हो, चाहे 5 किलोमीटर हो, चाहे 500 किलोमीटर हो, डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन d 2xy अपॉन x प्लस y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए बस कवर 3 सक्सेसिव 3 किलोमीटर स्ट्रेचेस एट स्पीड 10, 20 एंड 60 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर, देन 3 किलोमीटर, इस तरह से 3 स्ट्रेचेस कवर किए हैं। ये किया है 10 किलोमीटर पर आवर से, ये किया है 20 से, और ये किया है 60 से। हमें एवरेज स्पीड कवर करना है टोटल डिस्टेंस का। तो एवरेज स्पीड फाइंड आउट कैसे करते हैं? सेम टोटल डिस्टेंस, तो 3 मल्टीप्लाई 3 9 हो गया, अपॉन क्या करेंगे? 3 बाई 10 प्लस 20 प्लस 3 बाई 60। लेकिन हम इस मेथड से नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये डिस्टेंस चाहे 3 हो चाहे 60 हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम इस डिस्टेंस को कुछ ऐसा अज्यूम कर लेते हैं जिससे हमें ये टाइम कैलकुलेट करने में बहुत आसानी होगी। तो 10, 20 और 60 ये हमें स्पीड दे रखा है, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इनका आ जाएगा 60, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम आ जाएगा 60। 60 हम डिस्टेंस ले लेते हैं, तो 3 की जगह हम डिस्टेंस ले लेते हैं 60, क्योंकि डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
सेम डिस्टेंस आने वाली है, तो एवरेज स्पीड हमारा कितना आ जाएगा, 3 × 60, 180 ÷ 60 ÷ 10 + 60 ÷ 20 + 60 ÷ 60। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे 3 था, उसकी जगह हमने 60 पुट कर दिया, 3 की जगह 60, 3 की जगह 60, 3 की जगह 60 पुट कर दिया। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही आसान हो जाने वाला है, इसलिए हमने 3 की जगह 60 पुट कर दिया। और ऐसा हमने इसलिए कर पाए क्योंकि डिस्टेंस अगर सेम होता है, डिस्टेंस अगर सेम होता है तो फाइनल आंसर के अंदर डिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं होता है। इसलिए डिस्टेंस कुछ भी हो, हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा यहाँ से आंसर हो गया 3 × 60 ÷ ये हो गया 6 + 3 + 1, ये हो जाएगा 3 × 60 ÷ 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ गया 18 km/h। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो गया, 18 km/h। इस तरह से हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता अगर डिस्टेंस सेम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉन्स्टेबल इज 114 meters बिहाइंड अ थीफ। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टेबल साहब हैं, यहाँ पे हमारे चोर साहब हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 114 meters, ये मीटर में दिया है। द कॉन्स्टेबल रन्स 20 m/min। कॉन्स्टेबल का स्पीड दे रखा है 21 m/min दे रखा है। द थीफ रन्स 15 m। इसका अब ये तो कॉन्स्टेबल की, अब कॉन्स्टेबल यहाँ खड़ा है, कॉन्स्टेबल इस डायरेक्शन में भागेगा तो थीफ कॉन्स्टेबल की तरफ तो नहीं भागेगा ना, थीफ जो है कॉन्स्टेबल की तरफ तो नहीं भागेगा, कॉन्स्टेबल से दूर ही भागेगा थीफ। जो चोर है वो कॉन्स्टेबल से दूर की डायरेक्शन में भागेगा और इसका स्पीड है 15 m/min। ठीक है, इन व्हाट टाइम विल द कॉन्स्टेबल कैच द थीफ। किस टाइम में, ऐसे क्वेश्चन हमने कल की क्लास में करे थे कि एक ट्रेन यहाँ से ए स्टेशन से एक ट्रेन बी स्टेशन से चलती है, बी स्टेशन से चलने वाली जो ट्रेन है उसका स्पीड कम है, ए स्टेशन से चलने वाली ट्रेन का स्पीड ज्यादा है और ये दोनों यहाँ आके किसी तीसरे पॉइंट पे मिलती हैं। तो यहाँ पहुँचने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा या फिर कितना ये डिस्टेंस कवर होगा। तो हमने इसको बेसिक मेथड से भी किया था कि ये दोनों टी टाइम में, सेम टाइम में दोनों इस पॉइंट पे पहुंच जाएगी, इसके लिए इसको कवर करना रहेगा डी डिस्टेंस और इसको कवर करना रहेगा 114 प्लस डी डिस्टेंस। सी कॉन्स्टेबल कितना कवर करेगा, 114 प्लस डी, और थीफ कितना कवर करेगा, डी डिस्टेंस। और दोनों के लिए टाइम कितना होगा, टी टाइम में दोनों ऐसा करने वाले हैं। तो इसका हमने शॉर्ट मेथड पढ़ा है। शॉर्ट मेथड में क्या पढ़ा था हमने, डिस्टेंस हो गया 114 किलोमीटर इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इनका रिलेटिव लेते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगा 21 − 15 मल्टीप्लाई विथ टाइम। यहाँ से हम सीधा टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा 114/6 और यहाँ से हमारा ये कैंसिल आउट होकर आ जाएगा 19 मिनट, क्योंकि ये हमारे पास मिनट के अंदर है डेटा, ये भी मीटर है, ये भी मीटर पर मिनट है, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारे पास मिनट के अंदर। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। इसी क्वेश्चन को सिमिलरली हम कल वाले मेथड से दोबारा देख सकते हैं। अगर इक्वेशन बनाते कॉन्स्टेबल के लिए तो कॉन्स्टेबल के लिए इक्वेशन बनता 114 m प्लस डिस्टेंस कवर करता इज इक्वल टू टी टाइम के अंदर स्पीड कितना है 21 × t, और थीफ जाता डी डिस्टेंस कितने टाइम कितने स्पीड से 15 की स्पीड से मल्टीप्लाई विद टाइम टी, डी का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो तो 114 + 15t = 21t, तो यहाँ से आ जाएगा 114 = 60, टी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 114 / 6 = 19 min। सेम यहाँ से भी आ रहा है 19 min, यहाँ से भी 19 min, यानी कि हमारा आंसर सही है, ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जिसमें पीछे से भागने वाले क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A thief runs at a speed of 32 m/s। जो thief है उसका स्पीड है 32 m/s दिया है इस बार। And a policeman runs behind him। एक policeman है वो इसके पीछे से भागता है at a speed of 48 m/s। 48 m/s से इसके पीछे भागता है और ये thief आगे भागता है। But after 6 seconds, यानी कि ये दोनों यहाँ पे है, पुलिस भी यहाँ पे है, थीफ भी यहाँ पे। जब थीफ ने 6 सेकंड तक भागा
तो थीफ यहां पहुंच गया, थीफ कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। उसके बाद पुलिस भागना शुरू करता है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला है। आफ्टर हाउ मेनी मीटर्स विल द पुलिस मैन कैच द थीफ, तो पुलिस मैन को कितना भागना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना टाइम में पहुंचेगा, उसके बाद हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। तो टाइम कैलकुलेट करेंगे तो पहले तो हमें थीफ का देखना पड़ेगा कि थीफ 6 सेकंड में के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करेगा। थीफ का डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 32 मीटर पर सेकंड से भागता है मल्टीप्लाई 6 सेकंड के लिए भागता है, तो यह आ जाएगा 192 मीटर, 192 मीटर तक थीफ ने भाग लिया। अब 192 मीटर 6 सेकंड में भागने के बाद जो पुलिस मैन है वो इसको पकड़ना शुरू करेगा। तो अभी 6 सेकंड बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 192 मीटर। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो ऑलरेडी 114 मीटर गिवन था, 114 मीटर ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन था, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं था, यहाँ पे डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है 192 मीटर। जो थीफ है वो पहले भाग गया है 6 सेकंड के अंदर, ये हमने कैलकुलेट करा। अब ये जो डिस्टेंस है वो 192 मीटर हमें कवर करना है इनके रिलेटिव स्पीड से। तो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर भागेंगे तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 48 माइनस 32, और ऐसा ये कितने टाइम में कर लेंगे, टी टाइम में। तो यहां से हमारे पास टी का टाइम आ गया है 192 डिवाइडेड बाय 16, ये हमारे पास आ गया 12 सेकंड। 12 सेकंड के अंदर जो पुलिस मैन है वो कैच कर लेगा थीफ को। तो हाउ मेनी मीटर्स विल द पुलिस मैन कैच द थीफ, तो ये कितना डिस्टेंस भागेगा पुलिसमैन, ये पूछा है। तो पुलिसमैन के लिए डिस्टेंस कितना आ जाएगा, कितने की स्पीड है पुलिसमैन की, 48 की। कितने टाइम के लिए पुलिसमैन भागता है, 12 सेकंड के लिए, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस आ जाएगा 12 × 96, 6 × 9, 6 ए के ऑप्शन के अंदर है, ए फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 × 48 और 9 × 57, तो 576 मीटर ये डिस्टेंस हमारा आ गया है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है, पहले दोनों के बीच 6 सेकंड के अंदर जितना डिस्टेंस पैदा हो जाएगा वो निकालना है, फिर टाइम कैलकुलेट करना है जिस टाइम के अंदर पुलिस उस थीफ को पकड़ लेगा, देन हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि उस टाइम के अंदर जो पुलिसमैन है उस कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन, एक पुलिसमैन है उसने एक थीफ को स्पॉट किया, डिस्टेंस दोनों के बीच में है 200 मीटर्स, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग द थीफ आल्सो स्टार्ट्स रनिंग, ऑब्वियसली इफ द स्पीड ऑफ द थीफ बी 16 किलोमीटर पर आवर, इस बार इसका स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है, पहले हमें मीटर पर मिनट में दिया था, मीटर पर मिनट, देन हमें मीटर पर सेकेंड में दिया था, अब हमें किलोमीटर पर आवर में दिया है 16 किलोमीटर पर आर। एंड देट ऑफ पुलिसमैन इज 20, पुलिस को तेज भागना पड़ेगा अगर चोर को पकड़ना है, तो इसका स्पीड हो गया 20। हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर इज ओवरटेकन, तो इस बार हमें कौन सा डिस्टेंस पूछा है, यहां पहुंचेंगे टी टाइम के अंदर, पुलिसमैन यहां पहुंचेगा और थीफ भी यहां पहुंचेगा, तो हमें इस बार ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। पूछा है हाउ फार द थीफ विल हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन, पुलिस जब चोर को पकड़ लेगा तब तक वो कितना डिस्टेंस भाग चुका होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए पहले हमें टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम कैलकुलेट करने के लिए दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो कवर करने वाला टाइम हमें फाइंड आउट करना होगा। तो टोटल डिस्टेंस है हमारा 200 मीटर इज इक्वल टू, ये है मीटर के अंदर, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा किलोमीटर के अंदर। स्पीड दोनों की रिलेटिव है तो दोनों एक डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो स्पीड हो जाएगा माइनस 20 माइनस 16, यह है किलोमीटर पर आवर के अंदर, यहां से हमारा टाइम आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर, तो टाइम हमारा आर के अंदर आ जाएगा, टाइम आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 4 40, तो 4 से कैंसिल आउट हो गया 50, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5/100 यानी कि 1/20, 1/20 हमारा टाइम आ गया है। इस टाइम के अंदर ये जो थीफ है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितना है थीफ का, 16 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई विथ टाइम 1/20, और ये किस में आ गया, किलोमीटर के अंदर। हमें आंसर में ऑप्शन के अंदर मीटर गिवन है, तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 से कैंसिल आउट आ गया 4, ये 5,
4/5 और 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो 1000 मीटर हमारे पास आ गया। ये 5 से कैंसिल आउट हो गया, 200, 4 × 200 मीटर इज इक्वल टू 800 मीटर। आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए, 800 मीटर हमारा आंसर आ गया है। ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो पहले हमने टाइम फाइंड आउट किया जिस टाइम के अंदर ये जो पुलिसमैन है ये थीफ को कैच कर लेगा, और इस कैच करने से तक जो थीफ ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वो हमने निकाला और वो हमारे पास आ गया 800 मीटर्स। इतने ही क्वेश्चन करते हैं आज, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ब्रेन बक्स इंडिया यूट्यूब चैनल को।